तोबा कर बोला तुझे नहीं। हाँ तोबा कर जल्दी, दोनों हाथ हमारे हाथ पे कर दो जी। हाँ तोबा कर जल्दी, तोबा कर, तोबा कर, तोबा कर। कहाँ से आए? मैं बेटा आ गया ही बेटा। क्यों रे, बहुत मस्तियां कर रहा था घर में? हाँ मारेगा घर में? मारेगा माँ को, मारेगा उसके बाप को, मारेगा? हाँ जोर से बोल। सताएगा घर में? हाँ या ना? सताएगा? जोर से बोल। वहां कितनी ताकत लगाता है, यहाँ लगा के बोल जोर से। हाँ सताएगा आप उसके घर में? क्या नाम है छोकरे का? फाजिल को मारेगा? मोहम्मद फाजिल को? हाँ सताएगा उस घर में, माँ बाप को मारने लगेंगे आग में घुस के। जला उसको तेज के साथ में। बोल कैमरा में दिखला। हाँ बोल। नको सतेंगा, सतेंगा माँ को बाप को? हाँ ना, नहीं मैं तेरे हाथ काट के जला देता हूँ। ना बोल रहा हूँ ना, लोगों को मार रहा अभी तक कितने इंसानों को मारा? ना ना ना, पहला शिकार था क्या? ना नहीं नहीं, वो भी हाथ ले लेता हूँ, वो भी हाथ ले लेता हूँ, वो भी हाथ लो। ना जवाब दे मेरे, जवाब दूंगा तो छोड़ेंगे, एक बार नहीं छोड़ता तुझे, पूरा जला दूंगा कमीने। आया कहां से था? कहां से आया था? ना जी ये फाजिल ने तुझे बुलाया था, अमल करके बुलाया? कोई जिक्र करा इन्हेने? कोई ने जादू किया? कौन था वो जादू, किसने किया, किसने किया था, नाम बोल। किसने किया, किसने किया? माँ जी नहीं छोड़ते, जला दो उसको पूरा। दोरा जी जलाओ उसको तेज के साथ, पकड़ो रस्सी, झगड़ो तेज के साथ में। छोड़ेंगे तुझे, जाना लेता लोगों के। इतनी मस्ती चढ़ी देखो, कौन है तेरे लिए का जिन्नात का बादशाह? कौन है उसको फरमान लगा तो तेरे हाथ आकर तर गए हमें को दोनों? नहीं छोड़ता ही नहीं, वैसा बिठा उसको जमीन पे आगे लो इधर। नहीं छोड़ता ही नहीं, नहीं सवाल के जवाब दे सही से। आया कहाँ से था? शमशान कब्रस्तान। किसने जादू किया? उसके माँ के खानदान का था, बाप के था जिसने जादू किया? तो हाँ जल्दी बोल, पढ़े तक क्या मरा रोक बिस्मिल। जोर से मुंह पे दोनों हाथा मार के तोबा तोबा कर, वो मुंडी ऊपर उठा के मार, दोनों हाथा मुंह पे मार, तोबा कर। सतेंगा छोकरे को अब? हाँ या ना, जबान से बोल, वैसा नहीं समझता मुझे, जबान से बयान कर। हाँ या ना सतेंगा? हाँ जोर से बोल, जोर से। हाँ
तोबा तोबा कर, मुंह पे हाथ मार, तोबा कर जल्दी, तोबा कर तो काट दूंगा दोनों हाथ, तोबा कर जल्दी, तोबा कर बोला तुझे, हाँ तोबा कर जल्दी, दोनों हाथ मार जल्दी, हाँ तोबा कर जल्दी, तोबा कर, तोबा कर, तोबा कर, जोर से जोर से जोर से, सबको सुने आना, अल्डा के जरा घर में बहुत अल्डा रहा था, बहुत ताकत लगा रहा था वहां, यहाँ आने के बाद देखा किसी बैटरी ग्लो हो जाती तो यहाँ अल्लाह के कलाम की ताकत है, यहाँ या किसकी चलने नहीं देते यहाँ मनमानिया चला रहा था बड़े वहां बैठ के, तो चल अब जा और गौर से सुन क्या बोल रहा हूं, तो सुने आ रहा क्या गौर से, सुने नहीं आ रहा, हाँ कौन डाला, कहां से आया, कब छोकरे को मारो बोले थे, कितने लोग है, कितनों को अभी तक मारा, क्या दास्तान थी, सब आके दूसरी बार में बयान करना, अगर बयान नहीं करा तो याद रख तेरे हाथा माथा सब काट के बाहर टांग दूंगा, इंसानियत को जुलूम देने का तुझे हक नहीं है और इख्तियार नहीं है कम बखर, हाँ हुकूमत किसकी, मनमानिया कौन कर रहे, तेरा बादशाह कमी नहीं मेरे सामने मुंडी उठा के बात नहीं कर सकता, अब तू लोगों के आंगन में घुस के मनमानिया करता, वैसे तेरे बादशाह को फरमान लगाता हूँ तेरे हाथा कतर के बाहर लाकर टांग बोलता हूँ, अगर दोबारा सताया उसके घर में जाके तो सताएंगा आप घर में, जबान से बोल, हाँ सताएंगा जबान से बोल, वैसे इशारों में नहीं समझता मुझे, सताएंगा सताएंगा क्या, हाँ माँ को मारेंगा, उसके बाप को मारेगा, सामान तोड़ेगा घर में, सब याद करके आना कौन डाले थे क्या क्या है, समझ में आया क्या, जोर से बोल हाँ या ना, अच्छी बात, सब याद आया, सब याद करके आना दूसरी चक्कर तक, पानी पिलाओ उसको, बन के डालो उसको संजय नाते सिंह साथ में, उन्हें सताना नहीं उसके घर के अंदर, बेगुनाह लोगों को परेशान करना, वो उसको मार मार के खत्म करो, अगर उन्हें घर में हाजिर होकर सताया तो उसके एरिए के बादशाह को बोलो कौन जादूगर मनमानिया कर रहा था, उसको मार के सालों को सबको खत्म कराओ नालायकों को, पानी पी रहे छोकरे, सुने के पानी पी ले, हाथ में गिलास हाथ में ले, पकड़ती इसको बाद में दूसरी चक्कर में इसके फाइनल राउंड के टाइम पे इसको गुलाम बना के लो, इसको ना ला को मेरे पास में, और इसको बाहर काम लगाओ इसको, अगर अच्छे से उन्हें क्या बोलते तो निकल के आया तो उसको बाहर अच्छा काम दो, अगर उन्हें मनमानिया करा तो उसको फिर बाद में मार के लाके चाबुकों से नाले साफ करने का काम दो उसको, ना ला आपको, समझ में आया क्या, सताना नहीं उसके घर में, अब सुना ये जो है ये कैफियत क्या है, क्या बातें हैं, कौन डाला था, क्यों डाला था, उससे सब आगे बयान करा के लेंगे, और दूसरी बात के उसको अभी मौका दिए कि नाम याद करके आना और सब बयान करना, घर के अंदर मनमानिया कर रहा, माँ बाप को मार रहा था, कुछ पागल जैसी हरकतें कर रहा था, मेंटली डिस्टर्ब है जैसा, वैसे एक्स वाई जेड जो भी हरकतें, ये सब बलाएं वबाएं जो चीज़ें रहती है ये करते, दो बातें रहते खुद ब खुद तो नहीं आते वो, एक तो कोई अमल कर रहे तो अमल के पलटवार पड़ गए तो आ जाते वो, और नहीं तो कोई छोड़ा भेजा तंत्र मंत्र जो भी जादू टोना करा तो आ जाते और आकर फिर ऐसे हरकतें करते, और उनकी जो है बहुत सारे राज बहुत सारे बातें, उनकी दुनिया चेक अलग है और हर मामले में इल्म समंदर है, ऐसा नहीं कि दो जो बातें हैं हमको एक ही बात सिखा दिए कि जादू है तो जादू जादू च रहता, वो एक समंदर है इल्म का, वो भी खाली तुमको बता दिए एक वर्ड में सहर और जादू एक्स वाई जेड एक्स एक तुमको, बट उसके अंदर कितनी थ्योरी बढ़ती, कितने बाल से बारीक बातें रहते समंदर, जैसा डॉक्टर
अब हमको मालूम है डॉक्टर, डॉक्टर के अंदर कितने डिग्रियां बटते, आई स्पेशलिस्ट, कान का स्पेशलिस्ट, पेट का, नाक का, जबान का, चमड़ी का, एक्स वाई जेड हजारों स्पेशल, कितना इलम समंदर है, फिर वो भी उसके अंदर, फिर इंडिया है उसके अंदर, फिर डॉक्टरी, फिर उसके अंदर बहुत 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 जितने तुम पार्ट्स बांटते थे उतना बढ़ता था, यानी कि हिसाब से कितना बड़ा इलम है समंदर। तो ऐसा वो भी, ये भी एक इल्म है, इसका भी ये भी जो इल्म है, इसकी भी जो थियरीज है, इसकी भी जो बातें हैं, वो भी एक बहुत बड़े राज है, बहुत बड़े बातें हैं, बहुत बड़ी दुनिया है वो भी। और लोगों आज भी लोग क्या बोलते हैं, तो उसकी मदद लेते हैं, उसकी जादू टोने की मदद से एक दूसरे पे वारा करते, परेशान करते और ऐसी हरकतें करके ख़त्म कर देते, हलाक कर देते लोगों को, अगर असल इलाज वाला नहीं मिला तो। और असल इलाज वाले अल्लाह वालों के पास जाना, क्योंकि अल्लाह वालों के सिवा अल्लाह किसी के पास में फैज देता ही नहीं। इतनी बात याद रखो, शिर्क जगहों पर जा रहे मोमिन बंदो मुसलमानों, अल्लाह ने मना फरमाया शिर्क करने से, शिर्क अगर करेंगे तो माफी नहीं मिलेंगी। अल्लाह ने फरमाया सब माफ कर दूंगा, सगीरा कबीरा छोटे मोटे बड़े, अनजाने में करे आले, जानबूझ के करे आले, सारे गुना माफ कर दूंगा, अल्लाह रहमान और रहीम है। बचे कुचे आले तुम्हारे गुना अगर अल्लाह माफ नहीं करा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे गुना बख्शा के ले लेंगे, वो रहमतुल आलमीन बनाकर उनको भेजा था, वो तुम पर उस वक्त उनकी रहमत और भी नाजिल हो जाएगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हश्र के मैदान में वो भी बख्शा लेंगे तुम्हारे सारे बच्चे कुछ गुनाह, बस तो अल्लाह पहले माफ करेगा, और कुछ नहीं माफ कर रहा तो उन्हें बख्शा के लेंगे। बट लोगों याद रखो, लेकिन तुम्हारा शिर्क गुना माफ नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो हम में से ही नहीं, वो हम में से ही नहीं, वो हम में से नहीं, आपने तो फरमा दिए। इसलिए जादूगरों के पास नहीं जाना, जादूगर बोले तो बहुत नस्ली हराम ज्यादा रहते, वो मैं बयान नहीं कर सकता उनकी बातें, और उनको आता कुछ नहीं, उनकी कोई हैसियत नहीं जादूगर के अल्लाह वालों के सामने, कोई जादू की ताकत नहीं अल्लाह के कलाम के सामने। मगर तुमको अल्लाह के कलाम का फैज मिले तक, तुम जहां से फैज की दरिया भरी वहां पहुंचे तक, वो जादू तुम्हें पहुंचने देता नहीं, रुकावट डाल के हलाक कर देता सारे फैमिली को, सब सबको एक एक से धीरे धीरे धीरे। बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे राज है, काला जादू काले जादू से नहीं कटता, यकीनन लोहा लोहे से कटेगा मगर वो नहीं कटता। लोटा दोस्त छोड़ो, हाँ, लोहा लोहे से कट जाता मगर जादू जादू से नहीं कटता, क्योंकि जादू अल्लाह की रहमत से कटता, और रहमत अजमत कलाम इलाही के अंदर है, और कलाम इलाही पढ़ने वाली जबान अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन के पास है। बुजुर्गान दीन को अगर बोलेंगे कि हम जाते नहीं वहाँ, वो शिर्क है, वो बिद्दत है, अरे अकल के अंधे, अरे अकल से पैदल, क्या पढ़ा तूने शिर्क के बारे में और क्या पढ़ा तूने बिद्दत के बारे में, समझ में आया कि कुछ, ये सब सिर पे जहाजा बन के चले गए बातें। इसलिए इल्म ऐसी समंदर है हर मामले में, कुरान को भी समझ के पढ़ा करो। कुरान तो इतना अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसान बनाया, मगर तुम उसको ना पढ़ रहे, ना समझ रहे, और ना उस पर अमल कर रहे। जब तुम पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे तो उसकी फैज तुम्हारे भी हासिल होगी, और इबादत की रस्सी को मजबूती से थामा करो। बाकी किसी पे जुल्म और जबर जब तुम ताकत में रहे तो जुल्म मत करो लोगों के ऊपर। जुलूम से वाकया बताऊं क्या तुम्हारे, क्योंकि अल्लाह क्या करता तुम्हारे, अल्लाह तुम्हारे क्या करता, बुजुर्गाने दिन से ले जाकर टकरा देता लास्ट में, तुम्हारे तुम्हारे आमाल अल्लाह नहीं करता, तुम्हारे आमाल ले जाकर टकरा देते। कैसा होता, कोई एक इंसान है अगर उन्हें तकब्बुर घमंड और मस्ती में है, मगन पावर में है, तो और उन्हें क्या करता, किसी को भी धक्के देता, किसी को भी मारो, किसी को भी लूट लो, छीन लो, छीन लो, लूटो, बर्बाद करो, और बाद में क्या होता, फिर मन कैसा बोलते ना, गरीबों की बद्दुआ लग गई उसको, अब वो मर रहा सड़ सड़ के, या मर गया वो हलाक हो गया, तो कैसा हलाक होता हूँ मालूम तुम्हारे को, वो ऐसा हलाक होता हूँ गरीबों को मारता, सबकी बद्दुआ लेता लेता लेता, एक दिन उन्हें अल्लाह के वली से जाके टकरा देता, कुतुब से, अब्दाल से, औलिया बहुत किस्म के अलग अलग, किसी से भी जाके उन्हें टकरा देता, और उसको क्या मालूम है अल्लाह का वली है, कौन से दर्जे पे अल्लाह ने इसको बिठाया वाला है, उसको नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि उसके पास थोड़ी वो आंखें, वो जो उन्हें जुल्म कर रहा लोगों पे, तो उसकी थोड़ी आंखें पहचान सकती अल्लाह के वली को कौन सा है, तो उन्हें जाके उसको भी आम इंसान समझ के छेड़ देता, वो भी आम इंसान के जैसा दिखता, बट बाद में आ जाता अल्लाह को जलाल, फिर उसके बाद ऐसा कर देता कि गर्क करके हलाल कर देता, हलाक कर देता। मिसाल मैं तुमको बताता कि एक दरिया के किनारे एक शख्स था, मच्छी पकड़ रहा था, तो मच्छी पकड़ते पकड़ते उसको एक दो दूसरा भी आया बाजू में, दूसरे ने क्या करा, गल डाला, दूसरे को मच्छी नहीं लगी, इधर वाले को मच्छी लग गई, गरीब इंसान को मच्छी लग गई इसी बड़ी, तो उन्हें क्या करा, उसके पास ताकत था, पहलवान था, बल था, और कुछ पैसा लगेगा, तो उसको जुलूम देके उसकी मच्छी छीन लिया,
इससे पहले बहुत जनों की छीना होगा उन्हें, इससे पहले जिनकी छीना था उन्होंने मच्छी, हो सकता हो गरीब लोग होंगे, वो मजलूम लोग होंगे, वो फटेहाल लोग होंगे, बोल के उन्होंने खाली बद्दुआ के अलावा क्या कर सकते, कुछ भी लड़ भी नहीं सकते उसको। तो उन्होंने ऐसा ही समझ के एक शख्स की मच्छी लगेली छीन लिया, छीनने के बाद में वही वो शख्स ने भी दे दिया उसको, क्या करेंगे वो भी जान दो बोल के गरीब इंसान, मगर उसको नहीं मालूम क्या था मामला। मच्छी ने क्या करी, उसको पलट के काट दी, काटने के बाद में उसके हाथ से वही खून जाने लगा, उन्होंने वो खून को जो भी बंदा करा मच्छी को लेकर चला गया घर को काट के खागा, बाद में उसका जख्म बढ़ते 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 कलई तक आया, डॉक्टरों ने बोले वो नामुमकिन है तेरी कलई कतरना पड़ेगा, कलई कतर दिए उसकी, हाथ कट गया वहां से, हाथ कटने के बाद फिर वो जख्म बढ़ते 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 कोहनी तक आया उसके, फिर डॉक्टरों ने बोले नहीं मुमकिन है कोहनी भी काटना पड़ेगा तो तेरी जान बचेंगी, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैल रहा, फिर उसकी कोहनी भी काट दी गई कई महीनों सालों के बाद में, फिर उसके मुंडे तक बढ़ गया वो जख्म, फिर डॉक्टर ने बोला मुंडा भी काटना पड़ता, तो डॉक्टर ने बोला कोई ना कोई कुछ ना कुछ बात है, क्योंकि ऐसा इन्फेक्शन इतनी तेजी से नहीं फैलता और इतनी जल्दी ये नहीं करता, कुछ तो भी राज है, क्या है? तो उन्हें क्या करता, उन्होंने बोला कि ये माजरा हुआ कहां से था, तो बोले वो जो भी है ऐसा ऐसा हुआ था मच्छी ने काटी थी, डॉक्टर भी परेशान, तो उन्हें उसको रहा नहीं गया, तो उसको लोगों ने एक इलाज वाले के पास में ले गए, एक देहाती जो भी बुजुर्ग होंगे बुजुर्ग के पास ले गए, तो बुजुर्ग ने बोले क्या बात है बेटे, तो बोले हजरत कलई कट गई, फिर कोनी कट गई, फिर अब मुंडा कटने को आया, उसके बाद क्या गर्दन कट जाएगी, क्या करना? तो हजरत ने फरमाए कि बेटे तूने किसी पे जुल्म किया जबरन, वो जुल्म का ये तेको अजाब में घेर लिया गया, तो क्या जुल्म किया, कब किया, तो याद कर अब तुझ बोले क्या किया, तो उन्होंने बोला हाँ यकीनन ये मच्छी मैंने किसी से छीन के लिया था जबरदस्ती, और मच्छी लाके खाया था, और मच्छी के कारण वो मच्छी की वजह से ही ये जख्म हुआ था, मच्छी ने काट ली थी वो जख्म बढ़ते रहा। हाँ तो उन्होंने तूने जिनसे मच्छी छीन के लिया था वो अल्लाह वाली शख्सियत थी, और उनकी फौरी तुझे बद्दुआ लग गई और मच्छी ने तुझे फौरी कतर ली, समझ में आया? तुम आम लोगों से छीन लेंगे, आम जनता से छीनते छीनते तुम्हारे आदत हो जाती, फिर तुमको एक दिन ऐसा हो जाता सामने तुम्हारे कुतुब अब्दा अल्लाह का कौन सा भी वली आ जाता, तुम उससे भी बेद भी कर देते और तुम फिर आजाब में घिर जाते, और घिर के फिर हलाक हो जाते, वो जो गरीबों की बद्दुआ रहती ना वो डायरेक्ट अर्श पे जाती, मगर जाने के बाद कैसे असबाब बनते, फिर तुम्हारे को ले जाकर अल्लाह उसके वली से लड़ाता, यानी कि वहां जाके तुम छेड़ो फिर पूरा कायनात का निजाम, यानी कि जैसा तुम्हारा कानून कायदे रूल्स कैसे चल रहे, वैसे बहुत सारे राज है वो तुम कुत्ता खोल के नहीं बोलूंगा, मगर इन शॉर्ट में वहां के रूल्स टूट जाते हैं, टूट गए कि फिर तो उनकी तो बद्दुआ तो ऐसी तेजी से लगती जिसके अंदर अल्लाह की वलियों की, और उसके बाद में फिर तुम आजाब में घिर जाते, फिर तुम्हारा बल, फिर तुम्हारी ताकत, फिर तुम्हारे गोदामों भरे वाले हथियारा, फिर तुम्हारे जमीन में गाड़ के रखे वाले हथियारा, सब पे पानी फिर जाता, कुछ काम के नहीं रहते, फुसके फटाकड़े बन जाते, क्योंकि खुदा से कोई नहीं लड़ सकता, उस कुछ अरबी में अल्लाह बोलते, उस कुछ फारसी में और उर्दू में खुदा बोलते, उस कुछ मराठी में और संस्कृत में ईश्वर बोलते, उस कुछ इंग्लिश में गॉड बोलते, समझ में आया? उसके नाम है वो सब, और उस फिर उन्हें फिर इतने भयानक तरीके से बदला लेता तुम्हारे से कि फिर जिसकी नहीं, फिर तुम यहाँ पे भरो, मरने के बाद वहां पे भी भरो, और मरना सब कुछ है, कोई अच्छी मौत मरता कोई खराब मौत मरता, और मरने के बाद भी भरना है, मरने से पहले भी भरना है, जैसे कर्म करोगे वैसा ही पाओगे, दुनिया में तुम बबूल पेरेंगे और आम खाएंगे कहाँ सोचेंगे तो कहाँ से आम मिलेंगे भाई, बबूल पेरेंगे तो बबूल के कांटे चुभने वाले ना बाद में, इसलिए अच्छे अखलाक रखो, इबादत ज्यादा से ज्यादा किया करो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही सब लोग इबादत करो, तुम कुरान सब पढ़ सकते हो, कुरान तुम्हारे को तो दिया ना अल्लाह ने, पढ़ने के लिए तो दिया, उसका फैज हासिल करने के लिए दिया, तुम हिंदू है बोल के तुम नहीं बजा सकते घर में, तुम मुसलमान है बोल के बजा सक रहे, तुम क्रिश्चियन है बोल के नहीं बजा सकते, सिख ऐसा नहीं है, सबके लिए है, घर के अंदर सूरह बकरा लगाया करो, सूरह यासीन लगाया करो, सूरह रहमान लगाया करो, जो तुमको आता हो लगाया करो, पढ़ सुनो लगा के मोबाइल में, तो लाउड स्पीकर में लगाओ, ब्लूटूथ स्पीकर में लगाओ, घर में बजाओ, ताकि निगेटिव ताकत निकल के भाग जाती और तुम्हारी रहमत बरसती, क्या पता अल्लाह तुम्हारा कलाम सुनने की बरकत से दीन और दुनिया की दौलतों से नमाज देगा और भी तेजी से, इसलिए मैं जो बोलता उस पर अमल करो, मैं तुम्हारे सबके भले के लिए सोचता, तुम जो है अकल से पैदल लोगों ऐसी हरकतें मत करो एक दूसरे पे जादू टोने, जो जादू करेंगे उसका नाम तो यहाँ यकीनन निकलता, अभी ये बला को हुक्म दे दिया अल्लाह कि अगले राउंड तक आके नाम बयान करना, अगर नहीं करा तो फिर इसको टुकड़े कर दिए देंगे बला के, तो उसके तो आके बयान करना ही पड़ेगा, कौन डाला क्या डाला कहाँ से आया था क्यों आया, तो तुम्हारे नाम तो जो अगर होते तो बनमोटी में तुम जादू कर रहे, बिल्ली दूध पी रही आँख बंद करके और सोच रही कोई नहीं देख रहे, तो वो गलत बात है, तुम्हारा नाम यहाँ निकलना ही निकलना है सामने, मैं नहीं नाम बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा लाकर सामने, और मैं मेरे जबानी नहीं बताता, मैं सामने अली बला के जबानी पूछता हूँ, जहाँ के शक और शुबा का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझ में ना, मैं मेरे जबानी बोलूंगा फिर मैं कैसा बोल रहा, मैं कहाँ से दावा कर रहा, मैं दावा करता नहीं, मैं सामने लाके बता देता जो भी सब पूछा देता, और मैं सबको एक ही बात लास्ट में ये बोलता हूँ कि इबादत करो, अच्छे बनो, नेक रहो,
और एक दूसरे की मदद किया करो, गरीबों की मदद करो। ऐसा मत करो लोगो, तुम अपने घर में खारे बैठ के ठंडी छो में चिकन बिरयाना बिरयाना ठंडे पानी पी रहे, मगर बाजू में तुम्हारा जो पड़ोसी है या कोई गरीब है या मोहल्ले में गरीब है तो उसके घर में चूल्हा सिलगा के नहीं सिलगा, वो भी ख्याल रखा करो। जो लावारिस लोग रहते रोड पे पड़े उनको भी कुछ लेके सदका ज़कात दान पुण्य कुछ करा करो, कोई कम से कम खाने की चीज दे दिया करो। कोई रोड के साइड में बैठाला गरीब दिख रहा, कोई मजदूर है या कोई लावारिस है, तो उनका भी जरा ख्याल करो। जब तुम उनका ख्याल करोगे तो ईश्वर तुम्हारा ख्याल करेगा, अल्लाह तुम्हारा ख्याल करेगा, गॉड और खुदा तुम्हारा ख्याल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन। और बहुत सारे बातें अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। चलो कौन से कौन हैदराबाद से।